हेलो एवरीवन, कुक विद रचना पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सूजी के वेज स्प्रिंग रोल, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसे आप सुबह के नाश्ते में या इवनिंग स्नैक्स में दोनों में शामिल कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसे बनाने में हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, तो ये बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और मेरी रेसिपी की वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करें। तो चलिए फटाफट से इस स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में एक कप सूजी ले लिया है। ये बारीक वाली सूजी मैंने लिया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे एक बार मिक्सी में चला लें। और अब सूजी लेने के बाद हम इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे और अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम आधा कप दही डाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सूजी का सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब ये सूजी का डो बन करके रेडी हो गया है। ये थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट डो हमने बना करके रेडी कर लिया है, क्योंकि सूजी जब फूल जाएगी तो इसका डो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस डो को अच्छे से सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे और उसमें आधा कप ग्रेटेड गाजर ऐड कर लेंगे। अब गाजर ऐड करने के बाद हाफ कप ग्रेटेड पत्ता गोभी ऐड कर लेंगे और पत्ता गोभी ऐड करने के बाद आधा कप फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे और 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे और इसके बाद 2 हरी मिर्च कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ अदरक ऐड कर लेंगे, या आप अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, या आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक यहाँ पर कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो सूजी का डो बना करके रखा था उसमें भी नमक ऐड किया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। अब 15 मिनट के बाद हमारा सूजी का डो भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार और अच्छे से मसल मसल के गूंथ लेंगे। अब हाथ में ऑयल लगाएंगे और ऑयल वाले हाथ से डो को अच्छे से मसल मसल के और भी सॉफ्ट बना लेंगे। ये हमारा डो बन करके रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डो को बेलेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे और यहाँ पर बेलन में भी ऑयल ग्रीस कर लेंगे, जिससे ये चिपकेगा नहीं। और एक हिस्सा लेंगे और उसकी लोई बना लेंगे। अब हम इसे आयताकार शेप में बेल लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। अब इसे साइड से इसे सेट कर लेंगे, जिससे ये आयताकार शेप में आ जाए। अब हमने इसे आयताकार शेप में बेल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस का लेयर लगा लेंगे। आप पिज़्ज़ा सॉस के जगह अपनी मनपसंद चटनी या कोई भी सॉस लगा सकते हैं, पर पिज़्ज़ा सॉस से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग बना करके रखी थी उसकी भी एक लेयर लगा लेंगे। हम इसमें अच्छे से फैला लेंगे। अब हमने सारी चीज़ें सेट कर ली है। अब हम इसे फोल्ड करके इसे रोल बना लेंगे और इसके किनारे को अच्छे से अंगुली से प्रेस करके सेट कर देंगे, जिससे ये खुलेगी नहीं। ये अच्छे से सेट हो गई है। अब इसके किनारे को भी अच्छे से प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। ये अच्छे से पैक हो गई है। अब जो डो का दूसरा हिस्सा बचा हुआ था उसकी भी लोई बनाएंगे और उसे हाथ से पहले आयताकार शेप दे देंगे। उसके बाद हम इस पर बेलन चला देंगे, जिससे ये आयताकार शेप में अच्छे से आ जाएगा।
अब ये आयताकार शेप में आ गया है। इसके ऊपर एक चम्मच पिज्जा सॉस का लेयर लगा लेंगे। इसके बाद स्टफिंग डाल करके फैला देंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए इसका रोल बना लेंगे और इसके किनारे को अच्छे से अंगुली से प्रेस करते हुए इसे सेट कर लेंगे, जिससे इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और इसके किनारे के हिस्से को भी अच्छे से प्रेस करके इसे सेट कर देंगे। अच्छी तरह से इसे पैक कर लेंगे। अब ये हमारा दूसरा रोल भी बन करके रेडी हो गया है। अब इस रोल को भी हमने अच्छे से पैक कर लिया है और इधर हमने 2 कप पानी कढ़ाई में डाल दिया है और उसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और अब हम उसमें एक स्टैंड रख देंगे और स्टैंड के ऊपर जालीदार प्लेट रख देंगे और उस प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और तब तक हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने 2 रोल सूजी के बना करके रखे हैं वो इसके ऊपर रख देंगे। अब इसे ढक करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब 15 मिनट हो गया है, ये अच्छे से स्टीम होकर के कुक हो गया। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके किनारे को कट करके इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी स्टफिंग भी कुक हो गई है और ये बाहर से सूजी का डो भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। और जो दूसरा रोल बचा हुआ है उसके भी किनारे को कट करके निकाल लेंगे और इसके भी छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब हमने दोनों रोल के छोटे छोटे पीसेस करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन ले लेंगे और इसके गर्म होते ही हम इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सरसों के दाने डाल देंगे। इसके बाद 7-8 कड़ी पत्ते डाल देंगे और गैस फ्लेम को बंद करके इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, क्योंकि तिल ज़्यादा गर्म तेल में जल जाएगा, इसलिए गैस फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें तिल डालेंगे। अब हमारा तड़का बन करके रेडी हो गया है और अब ये तड़का हम रोल के जो पीसेस कट करके रखे हैं इस पर डाल देंगे। सारे पीसेस पर थोड़े थोड़े डाल देंगे। अब हमने रोल्स में तड़का लगा दिया है अच्छे से। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और हमारी रेसिपी की वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी इस रेसिपी की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।